प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज ने अपनी आवाज पर कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में कट्टरता और अतिवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। शिवराज सरकार अब ऐसे संस्थानों पर शिकंजा कसने जा रही है जहां बच्चों को शिक्षा के नाम पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। अवैध मदरसे समेत ऐसे संस्थानों को अब रिन्यू किया जाएगा, जिसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबरें, संवेदनहीन कट्टरता बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कहा कि इंटरनेट मीडिया पर नजर रखें, भ्रामक खबरें, संवेदनहीन कट्टरता बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों को पहचाने और आवश्यक कार्रवाई करें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने समीक्षा बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। स्वाभाविक रूप से इस तरह से नहीं है विषय वो, लेकिन कहीं भी कोई अवैध गतिविधियां संचालित है तो उन पर नजर रखने का बोला हुआ है। आहाते बंद कर दिए हैं, तो बंद मतलब बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं चल रहे हैं। ये सारे विषय उन्होंने स्पष्ट रूप से लिए। सोशल मीडिया के बारे में भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाकर अशांति पैदा न कर दे, इस पर तीखी नज़र होना। निश्चित रूप से माफिया मध्य प्रदेश में कोई भी संगठित अपराध मध्य प्रदेश में नहीं पनपने दिया जाएगा। किसी भी तरह का अपराध कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कड़े तेवर। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि अहाते बंद होने के बाद कहीं और सी शराब न बिके, इस पर सतत नजर रखें और कार्रवाई करें, ऐसे स्थानों को ध्वस्त करें। अवैध रेत के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।